भोजपुरी इंडस्ट्री में पार्टियां और बड़ी पार्टियां बड़ी कम होती हैं, लेकिन जब भी होती है गॉसिप की गलियारों में बड़ी ही सुबुगाहट होने लगती है। आइए बताते हैं कि क्या हुआ कल रात, जब पवन अक्षरा एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाए। आपको यहाँ बता दें कि मौका था कल दिनेश लाल यादव निरहुआ के 40वें बर्थडे का, और इस मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री का हर बड़ा सितारा नजर आया। यहाँ भोजपुरी का हर बड़ा सितारा नजर आया, लेकिन यहाँ दो ऐसे चमकते सितारे थे जिन पर हर सभी की नजर थी। सभी इन दोनों को देखे जा रहे थे, लेकिन ये दोनों थे कि एक दूसरे से नजरें न मिला रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं, पवन सिंह और अक्षरा सिंह थे। यहाँ पवन सिंह दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो वहीं अक्षरा सिंह दिनेश लाल यादव को अपना सबसे अच्छा दोस्त। इस दोस्त और बड़े भाई के बर्थडे पार्टी पे तो इनका आना बनता है, लेकिन ये दोनों आए लेकिन एक दूसरे से कटे कटे रहे। न एक दूसरे से मिले, न एक दूसरे की तरफ देखा और न एक दूसरे से बात की। लेकिन वही पवन अक्षरा एक दूसरे की कंपनी छोड़ सभी की कंपनियों को एंजॉय करते नजर आए, और समय रहते ही एक दूसरे से कन्नी काटते हुए पार्टी को अलविदा भी कह दिया। बड़ा ही ताज्जुब है ना कि कभी किसी पार्टी की रौनक बने थे ये दोनों, और आज एक दूसरे की तरफ पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।